साथ सभी लोग भारत माता की जयकारा जयकारा लगाएंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था न केवल पटरी पर लाई है, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के पिछड़ा समाज, दलित समाज, आदिवासी समाज के कल्याण की भी यात्रा जिन्होंने चलाई है, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, अपना दल पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, हमारे भाजपा के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, श्रीमान रामदास आठवले जी, श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रिजेश पाठक जी, श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, श्री संजय निषाद जी, शाही जी, श्री राजकुमार पटेल जी, और आज के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आए हुए भाजपा के साथी दल, अपना दल के सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम नमस्कार। मित्रों, आज मैं अनुप्रिया जी के निमंत्रण पर अपना दल के संस्थापक स्वर्गीय सोनेलाल जी की 74वीं जन्म जयंती पर आज जो संकल्प दिन आप लोगों ने रखा है उसमें आपके सामने आया हूं। सबसे पहले मैं मेरी ओर से और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से श्रीमान सोनेलाल जी को भावपूर्वक श्रद्धांजलि देकर स्मरण करना चाहता हूं। सोनेलाल जी का पूरा जीवन दलित, पिछड़े, आदिवासी, वंचित समाज के कल्याण के लिए संघर्ष करने में गया। पूरा जीवन उन्होंने गरीब तबके के सभी समाजों को एकत्रित कर संघर्ष के रास्ते पर चलकर उनके जीवन में खुशियां भरने का प्रयास किया। कई बार जेल गए, कई बार पुलिस के केस झेले, कई बार प्रताड़नाएं भी झेली, परंतु उन्होंने पिछड़ों के लिए संघर्ष का राह कभी नहीं छोड़ा। आज हम सब के लिए आनंद का विषय है कि सोनेलाल जी के बताए हुए रास्ते पर बहन अनुप्रिया जी अपना दल को आगे ले जा रही है और पिछड़ा समाज के लिए उन्होंने संघर्ष का काम चालू रखा है। भाइयों और बहनों, अनुप्रिया जी और अपना दल मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए के सदस्य हैं। अनुप्रिया जी मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरी साथी है और उत्तर प्रदेश में 4 चुनाव, 2 लोकसभा के और 2 विधानसभा के, चारों चुनाव अपना दल और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर लड़े हैं और मिलकर जीते हैं, और इसी का परिणाम है कि आज सपा बसपा की विघटनकारी शक्तियों से उत्तर प्रदेश को संपूर्ण रूप से निजात मिली। उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था की परिस्थिति ठीक हुई। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी के नेतृत्व में इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट आ रहा है और मोदी जी की भेजी हुई सभी गरीब कल्याण की योजनाओं को उत्तर प्रदेश शासन जमीन पर पहुंचा रहा है, गरीब व्यक्ति पर पहुंचा रहा है। आज अपना दल के इस महासम्मेलन में मैं अपना दल के सभी कार्यकर्ताओं को अपील करने आया हूं कि आने वाले चुनाव में भी 2024 में भी
अपना दल भारतीय जनता पार्टी और निषाद राज पार्टी तीनों मिलकर उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर कमल खिलाने का, कप्र का भी खिलाने का और निषाद राज पार्टी को जिताने का काम करना है। भाइयों बहनों, ये 9 साल के अंदर मोदी जी ने 60 करोड़ से अधिक देश के गरीबों के जीवन के अंदर परिवर्तन लाने के लिए ढेर सारे काम किए हैं और विशेषकर पिछड़ा समाज के लिए भी मोदी जी ने ढेर सारे काम करने का काम किया है। आजादी के बाद भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की ये पहली मंत्रिपरिषद है जिसमें 27 पिछड़ा समाज के मंत्री बनकर पिछड़ा समाज का कल्याण का काम कर रहे हैं। ये पहली बार सबसे ज्यादा पिछड़ा समाज के, आदिवासी समाज के और दलित समाज के सांसद किसी गठबंधन में चुन कर आए हैं तो वो एनडीए के गठबंधन में चुन कर आए हैं। और मोदी जी ने ये कांग्रेस पार्टी, सपा, बसपा कई बार सत्ता में रहे, सत्ता में हिस्सेदार भी रहे, मगर कभी भी पिछड़ा समाज को संवैधानिक मान्यता देने का काम न किया, कभी भी दलित और आदिवासी भाइयों के आयोग की तरह पिछड़ा समाज का आयोग नहीं बनाया। मोदी जी ने, ये उत्तर प्रदेश की जनता ने दो बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने पिछड़ा समाज के लिए आयोग बनाकर पिछड़ा समाज को संवैधानिक मान्यता देने का काम किया है जिससे अब पिछड़ा कल्याण का रास्ता प्रशस्त हुआ है। एमबीबीएस की ऑल इंडिया कोटा में 27% आरक्षण देना, एमडी के दाखिलों में 27% आरक्षण देना और इसके साथ साथ ओबीसी छात्रों की पूरी ट्यूशन फी माफ कर देना, नीट के एग्जाम में ओबीसी समुदाय के बच्चों को आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया, पेट्रोल और गैस की एजेंसियों में भी ओबीसी समाज को 27% रिजर्वेशन देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ओबीसी की प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक सहायता के लिए अनुदान राशि सीधा डीबीटी के माध्यम से ओबीसी बच्चों के अकाउंट में पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इसके साथ साथ ओबीसी के बच्चों के उद्योग बनाना हो, उद्योग की स्थापना करना हो तो इसके लिए वेंचर कैपिटल की स्थापना करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी आजमगढ़ में महाराज सुहेलदेव राजभर विश्वविद्यालय की स्थापना की, डॉक्टर सोनेलाल जी के नाम से प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज बनाया, यूपी विश्वकर्मा श्रम योजना के तहत 68,000 से अधिक शिल्पियों को 100 करोड़ रुपया से ज्यादा देने का काम किया और योगी जी के शासन में, बीजेपी के राज में, एनडीए के राज में अब तक सबसे ज्यादा पिछड़ा समाज को नौकरी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, आज मैं जब यहां आया हूं तब इतना कहना चाहता हूं, मोदी सरकार ने, जब आपने 2014 में मोदी जी को चुना, पहले ही दिन मोदी जी ने भाषण किया था कि मेरी सरकार गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की और आदिवासियों की सरकार है। और ये भाषण कांग्रेस के नेताओं की तरह कोरे वादों का भाषण नहीं था,
मोदी जी ने जो कहा वो कर दिखा है। पिछले 9 साल में भाजपा सरकार ने, एनडीए सरकार ने 3 करोड़ से ज्यादा आवास गरीबों के लिए बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 9.6 करोड़ करीब करीब 10 करोड़ गरीबों के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उत्तर प्रदेश में भी वही योजना को योगी जी ने आगे बढ़ाया, 1.75 करोड़ गरीब माताओं को गैस का सिलेंडर देने का काम नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ ने किया है। बेटियों की शिक्षा के लिए सुकन्या समृद्धि योजना लेकर आए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत 6,000 रुपया प्रति साल 11 करोड़ किसानों को देने का काम किया। गरीब अन्न कल्याण योजना के तहत 70 करोड़ गरीबों को 3 साल से प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त में देने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और देश के 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य के जुड़ा हुआ खर्चा आज भारत सरकार ने फ्री ऑफ कॉस्ट किया है। और मित्रों, सबसे बड़ा काम किया है मोदी जी ने, सबसे बड़ा काम किया है भारत को मोदी जी ने सुरक्षित बनाने का काम किया है, सुरक्षित बनाने का काम किया है। यूपीए की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, आए दिन पाकिस्तान से आतंकवादी घुसकर बम धमाके करते थे, हमारे जवानों को मार के चले जाते थे। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, फिर से एक बार पाकिस्तान ने हिमाकत की, उरी और पुलवामा में हमला किया, मगर इस बार वो भूल गए कि मौनी बाबा मनमोहन सिंह का राज नहीं है, नरेंद्र मोदी का शासन है, एनडीए का शासन है। 10 ही दिन के अंदर मोदी जी ने सेना को ऑर्डर दिया और पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों का खात्मा बुलाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है मित्रों। और आज पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। और